नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करेंगे, राजभर जातियों का अस्तित्व। राजभर एक बहुत बड़ा समुदाय है जो इंडिया के कई हिस्सों में रहता है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों में। इनकी पहचान, इनकी परंपराओं का बहुत पुराना इतिहास है जो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय के साथ राजभर जातियों का अस्तित्व खतरे में क्यों पड़ता दिख रहा है? कई बार हम सुनते हैं कि राजभर समुदाय पीछे रह गया है, उनकी संस्कृति खत्म होती जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ सुनना ही काफी है? नहीं दोस्तों, हमें इसके पीछे के कारणों को समझना होगा। हमें देखना होगा कि कौन सी चीजें हैं जो इस समुदाय को कमजोर बना रही हैं। इस वीडियो में हम उन कारणों के बारे में जानेंगे जो राजभर जातियों के अस्तित्व के लिए खतरा हैं। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल चीजें इस समुदाय के अस्तित्व को प्रभावित कर रही हैं। आइए इस सफर पर मेरे साथ चलें और मिलकर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, राजभर समाज के बहुत सारे लोग आज भी गांवों में रहते हैं। खेतीबाड़ी ही उनका मुख्य काम है, लेकिन आज के समय में खेती करना इतना आसान नहीं रहा। नई टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कमी, बदलता हुआ मौसम और कम होता पानी, इन सब ने खेती को बहुत मुश्किल बना दिया है। कई बार तो हालत इतने खराब हो जाते हैं कि खेती से पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मजबूरी में राजभर समाज के लोग अपने गांव, अपना घर बार छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगते हैं। काम की तलाश में वे शहरों में आते हैं, लेकिन क्या सचमुच शहर उन्हें वो सब कुछ दे पाता है जिसके वे हकदार हैं? शहरों में आकर उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रहने की जगह, खाने पीने का सामान, बच्चों की पढ़ाई, ये सब इतना महंगा होता है कि उनकी सारी कमाई इसी में चली जाती है। कई बार तो उन्हें अपने परिवार से दूर अकेले रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, शहरों में आकर वे अपनी जड़ों से कटने लगते हैं। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाजों से उनका नाता कमजोर होने लगता है। और यही तो वो सबसे बड़ा खतरा है जो राजभर जातियों क्या भर जातियों के अस्तित्व पर मंडरा रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि पढ़ाई ही असली ताकत होती है। जिसके पास पढ़ाई होती है, उसके पास सब कुछ होता है। लेकिन दुख की बात है कि राजभर समुदाय में पढ़ाई का स्तर आज भी बहुत कम है। कई बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा पाते, और जो जाते हैं उनमें से भी बहुत से बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। गरीबी, जानकारी की कमी और जाति के नाम पर भेदभाव, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से राजभर बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। पढ़ाई की कमी का सीधा असर उनके जीवन पर पड़ता है। वे अच्छी नौकरी नहीं पाते, अपने हक के लिए नहीं लड़ पाते और समाज से पिछड़ जाते हैं। पढ़ाई के बिना वे अंधविश्वास, गलत रीति रिवाजों और शोषण का शिकार भी आसानी से बन जाते हैं। यही कारण है कि राजभर समाज का विकास रुक रहा है। दोस्तों, हर समाज की अपनी एक अलग पहचान होती है। उनकी भाषा, उनका पहनावा, उनके रीति रिवाज, उनका खाना पीना, ये सब मिलकर उनकी संस्कृति बनाते हैं। लेकिन आज के समय में जब पूरी दुनिया एक गांव की तरह होती जा रही है, तो हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी पहचान कहीं खोती जा रही है। राजभर समाज भी इस बदलाव से अछूता नहीं है। शहरों की चकाचौंध ने उनकी अपनी संस्कृति को धुंधला कर दिया है। पहले जहां हर त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, वहां आज लोग त्योहारों को भूलते जा रहे हैं। पहले जहां लोग अपनी भाषा में बात करते थे, वहां आज इंग्लिश बोलना स्टेटस सिंबल बन गया है। दोस्तों, यह बहुत दुख की बात है कि आज भी हमारे समाज में जातिवाद है। लोग आज भी जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं। राजभर समाज को भी इस भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें कई बार नीची जाति का कहकर अपमानित किया जाता है। उन्हें पढ़ाई, नौकरी और समाज में सम्मान के समान अवसर नहीं मिल पाते। कई बार तो उन्हें मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता। यह भेदभाव
उनका आत्मविश्वास तोड़ देता है और उन्हें समाज से अलग कर देता है। दोस्तों, राजनीति में भागीदारी किसी भी समाज की तरक्की के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन राजभर समाज का राजनीति में योगदान आज भी बहुत कम है। चुनावों में उन्हें टिकट नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाता है तो उन्हें वह सम्मान और समर्थन नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। राजनीति में कमजोर होने के कारण उनकी आवाज संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती। सरकारें उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती हैं और उनके विकास के लिए कुछ नहीं करती हैं। दोस्तों, आज के समय में नौकरी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बढ़ती आबादी और कम होती नौकरियों ने लोगों के सामने बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। राजभर समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है। पढ़ाई की कमी और जाति के नाम पर भेदभाव के कारण उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती। मजबूरन उन्हें कम पैसों पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए दो दो काम करने पड़ते हैं, क्योंकि कमी ने उन्हें गरीबी में धकेल दिया है, जिससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, राजभर जातियों के अस्तित्व के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। हमें मिलकर इस मुश्किल से निकलने का रास्ता खोजना होगा। शिक्षा, जागरूकता और एकता ही इसका हल है। हमें राजभर समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आना होगा, उन्हें उनके हक के और अपील और अधिकारों के बारे में बताना होगा। हमें जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी होगी। याद रखें, एकता में ही हमारी ताकत है। आइए हम सब मिलकर राजभर जातियों के अस्तित्व को बचाने के लिए काम करें।